तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। आज आपकी है 4 सितंबर और मैं हूँ आज अपने खेत में। तो आपको मैं दिखाऊँ, ये मेरी है नर्सरी, ये आड़ू की नर्सरी है और हमने इसमें कुछ जो है ग्राफ्टिंग कर दी है। और ये देखिए आप, ये ग्राफ्टिंग का बहुत अच्छा समय है क्योंकि पेड़ जो है ग्रोथ करता है अभी। तो ये जो आपको मैं पेड़ दिखाऊं, ये 1 साल का पेड़ है। इसी साल हमने दिसंबर जनवरी में बोया था और अभी सितंबर है। तो आपको मैं दिखाऊं, हम इसमें जो है ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये जो है खुमानी है, उधर आड़ू था और ये खुमानी है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है अभी इसको लगाने का। और हम जब इसको लगाते हैं तो कई चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो उस समय करीब करीब मौसम भी साफ होना चाहिए। करीब 2-4 घंटा तो इसको मिलना चाहिए आँख बांधने के समय, मतलब ग्राफ्ट करते समय करीब 4 घंटे का समय मिलना चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आप, ये लगी है, ये देखिए आप। और अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जो बना रहे हैं उनकी तरफ, आपको मैं दिखाऊं। ये इन्हें चीरा लगा दिया, देखिए आप, ये चीरा लगाया। और अब जो है तैयार है, ये इन्होंने जो है ये निकाल दी इसकी आँख। ये है पुलम। तो पुलम के जो पेड़ है उसका जो हम टहनी काट के लाए हैं तो उसमें से ये आँख निकाल दी ये। और अब हम इसको यहाँ फिट करेंगे, ये देखिए। इस तरीके से फिट कर दिया। और इसके बाद ये जो है इसको जो है हमने बांध दिया इस तरीके से। और जब भी हम पेड़ लगाते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो नर्सरी है इसमें जो है छाल बहुत अच्छी छोड़नी चाहिए। अगर जीर्ण, मतलब एकदम सख्त इसकी छाल होगी तो जो आँख है जो हम इस पर ये ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो इसका लगना बहुत मुश्किल होता है। और जो हम ले रहे हैं उधर से, जिस कल्ले को हम ले रहे हैं, तो उसका भी सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और आपको मैं दिखाऊं कि आप देखिए, बिल्कुल अभी बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा घास नर्सरी के अंदर खेतों में होती है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि घास बिल्कुल भी ना हो। आप देखिए, आप सब भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। और पेड़ ने बहुत अच्छी छाल छोड़ के, देखिए आप ये। और ये हमने लिया जो ओरिजिनल पेड़ है उसका, और हम पेड़ जब खरीद के लाते हैं दूसरी जगह से तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अपने लगाने लायक जो हमारे पास, जैसे छोटा आड़ू होता है जड़ुआ, या चुआरू जो खुमानी का छोटा रूप होता है, तो वो उसको हम बो के नर्सरी तैयार कर सकते हैं अपने लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों को नमस्कार।